Today we are going to solve some questions regarding the application of the Pythagoras theorem. Okay, so let me continue the application of Pythagoras theorem. I already made so many videos regarding the application of Pythagoras theorem. Okay, so that's why we are going to solve one of the more questions regarding this. So then, first of all, please go through the questions. Okay, first of all, please go through the questions. Okay, first of all, we need to find here 4aq square equals to 4ac square plus bc square. Okay, so सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, P and Q are the mid points of the sides of triangle of sides CE and CB are respectively of triangle ABC, right angle at C. आप देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है ABC दिया हुआ है और इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया हुआ है वो आपका 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, ये 90 दिया हुआ है आपका AC पर और आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक क्लू और भी दिया हुआ है. सी एंड सी बी आर द मिड पॉइंट्स. ओके, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड सी एंड सी बी, मतलब सी ए और सी बी जो है, सी ए और सी बी जो है मिड पॉइंट है. इट मीन्स वी कैन से दिस इज इक्वल्स टू दिस, मीन्स वी कैन से सी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू एंड ए पी इक्वल्स टू सी पी, ये आपका दिया हुआ है. ठीक है, एंड द प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना ये सारी चीज़ों को. तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूँ, ये जब भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है ना, तो एग्जाम में आपका कभी भी आपको सी बी एस ई कभी ये कब जब भी क्वेश्चन सेट करेंगे आपको ये दोनों क्वेश्चन ये चीज़ नहीं देंगे प्रूफ करने के लिए, आपको हमेशा देंगे तीसरा वाला प्रूफ करने के लिए. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सेट करते हैं सी बी एस ई वाले. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप इसको बना रहे, अगर ये क्वेश्चन दे देता है आपको, तो आपको ये दोनों को बनाना पड़ेगा. ठीक है, तभी आप ये इसके साथ इसके पास अप्रोच कर सकते हैं आप. तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये क्वेश्चन आपका बुक में ऐसा दिया हुआ इसलिए हम बता रहे हैं. एक्चुअली जब भी क्वेश्चन एग्जाम की व्यू से अगर आप देखा जाए इस क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है. ठीक है, अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो ये आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो लिखा जाएगा प्रूफ दैट 4 into AQ square plus BP square equals to 5 AB square, ये आएगा आपका दिया हुआ रहेगा. ठीक है, तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है और ये इसमें ये दोनों को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तब इसको हम लोग इसको निकाल सकते हैं. जैसे कि ये हम लोग को सबसे ज्यादा टारगेटिंग है कि अगर ये चीज हम लोग को निकालना है तो हम लोग ये दोनों को निकालना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट व्हाट इज द पार्ट ऑफ गिवन इन द क्वेश्चन. आफ्टर दैट वी विल मूव टू प्रूफ पार्ट. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन पार्ट है इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं और इस क्वेश्चन को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पार्ट होगा उसके बाद हम एक एक करके जो आपको बताए थे कि सबसे पहले हम लोग LHS वाले टर्म को लाते हैं, फिर RHS वाले टर्म को हम लोग रिमूव करते हैं धीरे धीरे और उसके बाद हम लोग उसके जो हम लोग फाइनल जो है जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक हम लोग अप्रोच करते हैं. ऐसा नहीं कि आपको फाइनल में एक फर्स्ट स्टेप में ही सारा चीज़ आपको मिल जाए, तो ज्योमेट्री वैसा आपको नहीं दे सकता. आपको ज्योमेट्री में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको चीज़ समझ में आना चाहिए. ये चीज़ देखिए, इसमें गिवन में दिया हुआ है आपका ट्राइंगल ए सी बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी जी राइट एंगल ट्राइंगल एट कहाँ पे है बताइए, सी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, ये दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एंड क्यू क्या है, मिड पॉइंट है. ठीक है, तो एंड यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बी क्यू इक्वल टू सी क्यू एंड बी क्यू इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं सी क्यू और क्या लिख देते हैं ए पी इक्वल टू सी पी. ये आपका दिया हुआ ए पी इक्वल टू सी पी, ये हो गया. अब टू प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ इसमें क्या करना है, हम लोग को ये करना है क्या, 4aq square equals to 4ac square plus bc square. ये हम सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट को प्रूव करेंगे, उसके बाद सेकेंड वाला, उसके बाद हम लोग थर्ड वाला के पास अप्रोच करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करते हैं. फर्स्ट वाला पार्ट में देख लीजिए आप, प्रूफ अगर लिखे तो फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे. देखिए तो फर्स्ट वाला पार्ट में क्या होगा आपका, हमको चाहिए क्या, ए क्यू स्क्वायर. सो यू कैन सी हाउ टू फाइंड द ए क्यू स्क्वायर बाय द गिवन ट्राइंगल. यू कैन सी ए क्यू, दिस इज द ए क्यू. वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज द ट्राइंगल ए सी क्यू. सो वी विल हैव टू टेक द राइट एंगल ट्राइंगल ए सी क्यू सो दैट वी विल गेट here AQ square. There is a no and many more option, okay, regarding this. So that's why you will have to take right angle triangle ACQ. Okay, तो आपको यहाँ पे एक ही option बचा हुआ triangle AQ निकालने के लिए, AQ square के लिए आपको triangle क्या चाहिए, ACQ. Okay, so first of all we can write here
इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी क्यू. ओके, तो ए सी क्यू मीन्स वी विल हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज सी इज 90 डिग्री. ओके, राइट, सो ए क्यू स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर. ओके, ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, दिस इज ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो यू कैन सी हियर we have the data of AQ square. First we need to 4. Okay, so we will have to multiply 4 both sides. Okay, so we can write here multiplying, multiplying both sides by 4. Okay, multiplying both sides by 4. So 4 से अगर इसको multiply कर देते हैं क्या आ जाएगा आपका 4 into AQ square, and after that here is the 4 into AC square, and here is the 4 into CQ square. Okay, so first of all you can go through the proof number 1. ये आपका LHS देखिए जनवाल है. अब इसको हमको कुछ नहीं करना है. जब भी हम लोग रिड्यूस करना है तो हम लोग देखिए क्या करना है. हमको AC square भी आ गया, AC square भी आ गया. So part is, so we will have to write the suitable transposition of transposing of these terms. Okay, so this is the star terms in the geometry. Okay, so हम लोग को ये क्या करना, star means इसको हम लोग को remove करना है, हमको BC चाहिए. तो आप देखिए बी सी चाहिए हमको. यू कैन सी हियर सी क्यू, सी क्यू, क्यू इज द मिड पॉइंट, देन देयर फोर वी कैन से सी क्यू इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ द बी सी. ओके, सो वी कैन राइट हियर वन ऑफ द टर्म्स दैट इज द सी क्यू इक्वल्स टू, सी क्यू इक्वल्स टू व्हाट, सी क्यू इक्वल्स टू वन बाई टू ऑफ बी सी. ओके, वाई, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट. सो वी कैन राइट हियर दैट टर्म्स एंड वी विल हैव टू रिप्लेस सी क्यू बाई वन बाई टू बी सी. ओके, सो after that we will see what will happen that things. So 4 into AQ square is here and here is the 4 into AC square. Okay, so plus here is 4 CQ square. CQ means you will have to put here 1 by 2 BC. Okay, 1 by 2 BC means we can write here BC by 2 square. Okay, so after that we can write here 4 into AQ square equals to 4 into AC square. Okay, प्लस 2 का स्क्वायर 4 विल बी कैंसिल, सो वी विल गेट हियर बी सी स्क्वायर, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रूफ. ओके, वी नीड हियर, सो यू कैन कंपेयर 4 ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूफ एंड नाउ वी विल हैव टू मूव द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द 4 बी पी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ओके, सो वी विल हैव टू मूव the for the question number 2. So you can see the question number 2, that is the question number 2 is here 4 bp square. Okay, we need to prove 4 bp square equals to 4 bc square. So first of all please try to think about that, how to find the bp square. Student, please see and please try to approach that things. How to find the BP square, you can go through the figure. Suppose BP square, here is the BP square, here is the BP square. So we will have to take triangle with BCP. Okay, so that is the point. So we will have to take in right angle triangle, with BCP. Okay, that is the turning point for that question. Okay, if you will take another angle, then you will have to face so many problems to prove. So that's why you will have to go through the proof part. Okay, what things need to prove. Okay, so first of all BP square, so we will have to take triangle BCP and we can write here BP square. So BP square equals to what, BC square plus CP square. Okay, so this is due to Pythagoras theorem, and after that you can see we need 4. So multiplying both sides by 4. Okay, by 4, because we need 4, that's why. So यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 4 into BP square equals to what, 4 into BC square, and after that we can write here 4 into CP square. Okay, so you can see we need two terms, 4 BP square and 4 BC square, but we will have to remove that terms, that is the 4 CP square we will have to remove by suitable
by suitable terms. So CP, you can see CP, this is the CP, okay. So we can write P is the midpoint, that's why CP equal to AP, and so CP equals to half of the AC. So we can write here CP equals to half of the AC, okay. So first you can remove that terms by the CP, so you will get the value, okay. So first of all we can write here 4 into Vp square, okay, and after that we can write here 4 into Vc square, okay, and here is the 4 into Cp. Cp stands for 1 by 2 AC square, okay. So this term become 4 into Vp square, and here is the 4 into Vc square. Here is the 2 square 4, 4 will be the cancel. So tenth term is this. So you can see we need that things. So this will prove, and after that we need to prove question number third. So for question number third you will have to add, okay. So आप लोग को question number third के लिए बोलूँगा equation को आपको जो है add करना पड़ेगा, जो आपको first में prove किए हैं और जो second में प्रूव किए हैं आप, ठीक है, उसको दोनों को आपको ऐड कीजिए. तो आपको ऐड करने के बाद जो होगा आपका थर्ड टर्म के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो जो है हम लोग लिख सकते हैं फोर्थ प्रूफ, ये थर्ड टर्म के लिए लिखते हैं, ठीक है. वी हैव, हम लोग के पास क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं हम लोग. सबसे पहला प्रूफ कर चुके हैं 4 into AQ square एंड इक्वल्स टू वट 4 into AC square प्लस वट BC square, ये प्रूफ कर चुके हैं. एंड आफ्टर दैट 4 into BP square 4 into Vp square प्लस बट 4 into Bc square प्लस AC square, ओके. सो वी कैन प्रूफ लाइक दिस वे, यू कैन टेक द कॉमन 4 हियर एंड 4 AQ square प्लस बट Vp square, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी 4 AC square प्लस 1 AC square दैट इज द 5 AC square एंड 4 BC 5 BC, सो 5 BC square, ओके. सो हियर इज द 5 BC square, यू कैन टेक कॉमन, हियर इज द 4 into AQ square प्लस BP square, एंड हियर इज द 5 इज द कॉमन दैट इज, एंड देन AC square प्लस BC square. सो प्लीज टेल AC square प्लस BC square, दिस इज द AC square प्लस BC square, दिस इज द 90, दैट्स व्हाई इट विल बिकम व्हाट, AB square. सो वी कैन राइट हियर 4 into AQ square प्लस क्या BP square, ओके. नेक्स्ट दैट इज द 5 into AB square, ये आपका क्यों हो गया, क्योंकि आपके पास जो है AC square और BC square को हम लोग स्क्वायर करेंगे, ये 90 है, तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा. सो दैट इज द क्वेश्चन आर स्टूडेंट्स, यू शुड प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके. सो ओके, थैंक यू.